हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम नैनी। सर्दियों में ना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमें हेयर मास्क अप्लाई करना, और क्योंकि सर्दियाँ, कई बार तो सर्दियाँ भी लग जाती है हेयर मास्क अप्लाई करने से, और फिर कितनी ज़्यादा ठंडी होती है तो हमारा मन ही नहीं होता है कि हम कोई हेयर मास्क अप्लाई करें। तो क्यों ना हम अलग अलग ऑयल प्रिपेयर कर लें। हम अगर ऑयल प्रिपेयर कर लेंगे तो हमें ना तो आलस आएगा, और ऑयलिंग तो हम वैसे भी करते ही हैं। तो चलें आज हम ऑयल प्रिपेयर करते हैं। आज तो मैं आपको एक ही बताऊंगी, बट आगे वाले वीडियो, जो अगला वीडियो आएगा, उसमें भी मैं आपको ऑयल दूसरा वाला बनाना बताऊंगी। तो आपको लेना है अपने प्लांट से फ्रेश फ्रेश एलोवेरा, और उसको आपको ऐसे ही रख देना है। जो येलो जेल है उसे पूरा अच्छी तरीके से निकल जाने दीजिए। उसके बाद आप एलोवेरा को अच्छे से वॉश कर लेना। उसके बाद आपको लेना है 1 कप कोकोनट ऑयल, और 1 कप ही आपको एलोवेरा का जेल लेना है। आपको जेल सेपरेट करके लेना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो जो उसकी लीव्स होती है ना, वो पूरा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जेल निकाल लेंगे तो भी ठीक है, नहीं निकालेंगे तो भी ठीक है। उसके बाद आपको 1 कप कोकोनट ऑयल डाल देना है, और फिर उसी में आपको गरम वरम नहीं करना है, डायरेक्ट वो जेल भी डाल देना है, एलोवेरा जेल। उसके बाद उसको आपको पकने देना है पूरा, मतलब 5-6 मिनट के बाद आपको उसमें गुड़हल के फूल डालने हैं, सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 गुड़हल के फूल डालने हैं, ठीक है। और वो ना हो जब आप उसमें एलोवेरा डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो वो उड़ेगा, इसलिए आप उसको कवर कर देना ताकि तेल आप पर ना आए। और फिर आपको उसे, आप वीडियो में देख लीजिए मैंने कितना पकाया है, उतना पकाना है। उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर देना है, और जब वो ठंडा हो जाए तो ऑयल को सेपरेट कर लेना है, और एक कोई भी कंटेनर में आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, प्लास्टिक में भी चलेगा, ठीक है। एलोवेरा में विटामिन ए, ई, B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर होता है, जो कि बालों को तेजी से लंबा, घना और मजबूत बनाने में यूजफुल होता है, और फ्रिजी बालों के लिए तो अमेजिंग होता है। जब आप इस ऑयल को प्रिपेयर कर लेंगे तो ना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कैस्टर ऑयल होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा। तो आप चाहें तो इसमें कोई और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ऑयल, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो अप्लाई करने में इजी रहेगा। कई बार हमें प्लांट से एलोवेरा को कट करके बालों में अप्लाई करने में काफ़ा मुश्किल लगता है, और हमें पता होता है कि एलोवेरा बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा लगता है कि ये तो हमें तोड़ना है, फिर उसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैंने ये ऑयल प्रिपेयर किया है, क्योंकि ये ऑयल लगाने में हमें उतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ऑयलिंग हम वैसे भी हेयर वॉश के पहले करते ही हैं। तो आपको ये जो अपने जो थोड़े बहुत जो बचे हैं बाल, उन्हें बचा लीजिए, और ये ऑयल अच्छे से अप्लाई कीजिए अपने बालों में। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब कल हम मिलेंगे कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको देखना है कि ऑयल को हमें अपने बालों में कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।